All right, so recording has started. So in a matter of a minute, आपको आपकी स्लाइड्स दिख जाएंगी होपफुली. All right. Okay. क्या आप लोगों को यहाँ पे आपकी स्लाइड्स दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. ठीक है. Yes, sir. Okay. So, all right. So, we have seen all those things. हमने glands का बात किया था, हमने बात किया था हमारे semen क्या होता है. Basically, sperm plus seminal fluid को हम यहाँ पे हमारा semen बोलेंगे. And this is something जो आपका like via penis या आप deposit करते हो in the vaginal tract. So, that is something we have seen. ये सारी चीज़ हम लोग आपने देख चुके हैं. That is something we have all seen very clearly. Sperm में याद रखिएगा कि you will have the head part. You will have the. So, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा कि आपका जो हेड पार्ट यहाँ पे होगा स्पर्म के अंदर, इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे न्यूक्लियस. सो हियर यू विल गेट टू सी द न्यूक्लियस, राइट. देन आपका जो हेड का जो टिप होता है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ एक्रोसोम. इसको हम यहाँ पे बोलेंगे आपका एक्रोसोम. अगर आपसे कोई पूछे कि एक्रोसोम में होता क्या है, देन आप बोल सकते हो एक्रोसोम में होते हैं कुछ आपके एंजाइम्स. यू विल फाइंड सम एंजाइम्स आर सीन इन द एक्रोसोम. अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आते हैं कि यार एक्रोसोम करता क्या होगा, तो एक्रोसोम एक्चुअली हेल्प करता है स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए एग के अंदर. जो फीमेल एग होता है या जिसे हम फीमेल गैमेट बोलेंगे, उसके अंदर जाने के लिए आपको उसे लाइक वहां पे आपको होल क्रिएट करना होता है ताकि आप अंदर घुस सको एज अ स्पर्म. तो वहां आपका पेनिट्रेशन करने के लिए आपका यहाँ पे एक आपको एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और वो एंजाइम आपको मिलेगा एक्रोसोम के अंदर. सो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. देन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका मिडल पीस. मिडल पीस में आपको मिलते हैं देखने के लिए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया. सो यहाँ पे मिलेंगे आपको देखने के लिए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया. और याद रखना इन माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही, देखो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपके सामने टर्म आ रहा है आप समझ जाओ इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, और इसे यूज करके ही हम कई सारी एनर्जी इसके अंदर जनरेट करेंगे. तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि स्पर्म एनर्जी जनरेट करता है, राइट, एनर्जी यूज करता है ताकि वो आगे बढ़ सके फटाफट. तो एनर्जी बनाने के लिए आपको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको मिडल पीस में आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट. और फिर आपका यहाँ पे हो गया टेल. बेसिकली टेल आपको बनाता है मोटाइल. सो इट इज समथिंग विच इज यूज फॉर टू मूव थ्रू द फीमेल ट्रैक. फीमेल ट्रैक से मूव करते हुए वो अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा यूजिंग दिस टेल. क्या आपको याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के लिए किस चीज का यूज कर देते हैं? बिल्कुल सही, राइट. फ्रुक्टोज का वो लोग यूज करते थे, और फ्रुक्टोज का यूज करके वो लोग बनाते थे यहाँ पे आपका एटीपी, एंड दैट इज हाउ दे यूज्ड टू ट्रैवल. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. तो इतना ही चीज मैं चाहूंगा कि आप याद रखें. एक्रोसोम में आपको कुछ एंजाइम मिल जाएंगे, हेड में मिलेंगे आपको यहाँ पे न्यूक्लियस, और मिडल पीस में आपका यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल वाले पार्ट में याद रखना टेल टेल है, उसके वजह से आपके स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है और वो स्विम करके आगे बढ़ सकता है. So, इतना ही आपको याद रखना है, एंड दिस इज वेयर आपका मेल पार्ट एक तरीके से खत्म होता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो नाउ दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. ध्यान से फॉलो करिएगा. अगर आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी फास्ट है, देन बीच में ही आप इंटरप्ट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि सर समझ नहीं आ रहा, आप वापस से थोड़ा स्लो में तरीके से आप एक बार फिर रिपीट कर दो. अगर आपको लैंग्वेज का अगर बैरियर लग रहा है, इवन इन दैट केस आप इंटरप्ट करके बता दो कि सर एक बार फिर रिपीट कर दो. आपको ऐसा नहीं बोलना कि सर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, आप इतना बोल दो कि रिपीट कर दो सर रिपीट. इंग्लिश प्लस हिंदी ठीक है, ठीक है, स्टिल अगर कुछ रहता है तो बता देना. सो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. यहाँ पे आपका जो सबसे मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो आपका होगा यहाँ पे ओवरीज. सो ओवरीज से हम यहाँ पे समझना चालू करेंगे. सो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम एक एक यहाँ पे जो पार्ट है फीमेल ट्रैक का उसको हम समझेंगे. ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इन सबको हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं. Let's start with the ovaries. So ovaries are paired, are in pair and located in the abdominal cavity near the kidney. So याद रखिएगा ovary आपके हमेशा pair में होंगे, right? So you have one pair of ovary in the abdominal cavity के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. So these are my primary sex organ in females. These are your primary sex organ. So primary sex organ in females are always going to be आपकी ovaries. That's one thing. अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ओवरीज करती क्या है, इफ दे आस्क यू दैट व्हाट दिस ओवरीज आर नोन फॉर, मतलब इनका काम क्या होता है, देन आपने आंसर करना है ओवरीज का काम होते हैं दो.
पहली चीज ये बनाते हैं आपके एक सेक्स हार्मोन, या आई वुड से दो सेक्स हार्मोन ये बनाते हैं, एक आपका होता है ईस्ट्रोजन, एक एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा आपके यहाँ पे होगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो आपके सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो आपके ओवरीज बनाती है। उसी के अलावा ओवरीज इवन आपके बनाती है यहाँ पे आपके फीमेल गैमेट, दे आर ऑल्सो नोन टू मेक फीमेल गैमेट, और ये जो फीमेल गैमेट जो ये आपकी ओवरीज यहाँ पे बनाएंगी उनको हम इवन यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ ओवम, उनको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं एज अ ओवीयूएम। अच्छा, हैंड राइटिंग को लेकर बता रहा हूँ, हैंड राइटिंग अगर समझना है तो भी पूछ लेना, बिकॉज मेरा आर लुक्स वेरी मच लाइक एन समटाइम्स, सो प्लीज लेट मी नो दैट। सो यू हैव अ ईस्ट्रोजन, यू हैव अ प्रोजेस्टेरॉन, एंड फीमेल गैमेट भी आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, उन्हें हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ ओवम। तो ये दो काम होते हैं मेरे ओवरीज के, इतना आपको इसमें याद रखना है कि ओवरीज का काम होता है इट विल मेक द फीमेल गैमेट एंड विल मेक द सम सेक्स हार्मोन। अब याद रखना एवरी मंथ, हां बेटा, फिट से सब, हां फिट से, यस सर, हिंदी में थोड़ा, हां यस, सुनो, तो याद रखना ओवरीज जो आपकी होती है वो पैर में होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास दो ओवरीज हैं, वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वन ऑन राइट हैंड साइड, सो आपके सामने यहाँ पे दो ओवरीज हैं। सो ओवरीज आर ऑलवेज इन पेयर, दे आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये आपकी लोकेटेड होती है, ठीक है। ओवरीज जो आपके यहाँ पे होंगी उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है यहाँ पे दो चीज करना, एक तो दो सेक्स हार्मोन ये लोग यहाँ पे बनाते हैं, एक होता है आपका ईस्ट्रोजन, दूसरा आपका यहाँ पे होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये दो सेक्स हार्मोन ओवरीज आपके बनाएंगे। उसके अलावा उनका एक और काम, इंपॉर्टेंट काम ये होगा, दे विल मेक द फीमेल गैमेट, जैसे टेस्टिस आपके स्पर्म बना रहते हैं वैसे ओवरीज आपका बनाएंगी ओवम। सो ओवम इज अनदर नेम फॉर योर ओवम, एक और आपका दूसरा नाम हो जाता है आपके फीमेल गैमेट का। तो ये दो काम मेरे ओवरीज का यहाँ पे होता है, और ये है मेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल, वो आपकी होती है यहाँ पे ओवरीज। इतना इंफॉर्मेशन पहले आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि आपकी जो ओवरीज होती है वो हर महीने एक ओवम को रिलीज करती है। सो ये बात याद रखना, एवरी मंथ यू विल फाइंड वन ओवम इज रिलीज्ड, वन ओवम इज रिलीज्ड, एक ओवम को रिलीज किया जाता है आपके ओवरी में से हर महीने। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये बचपन से होगा, नहीं, एज सून एज गर्ल अटेंड्स द एज ऑफ 12 टू 13 इयर्स ऑफ एज, राइट, जैसे ही गर्ल्स आपकी एक एडोलेंस एज अटेंड करती है, मींस व्हेन दे रीच द एज ऑफ 12 टू 13 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद हर महीने एक ओवम आपका रिलीज होना चालू होता है। तो ये प्रोसेस भी हम बाद में आराम से एक बार फिर देखेंगे, बट याद रखना एज सून एज अ गर्ल हिट्स अ ईयर एज ऑफ अराउंड 12 टू 13 इयर्स ऑफ एज, इस एज के बाद व्हाट विल गेट टू सी दैट द गर्ल विल स्टार्ट रिलीजिंग और द ओवरीज विल स्टार्ट रिलीजिंग एवरी मंथ वन ओवम, राइट। और याद रखना ऐसा नहीं कि दोनों ओवरी में से एक एक ओवम आ रहा है, अगर समझिए अगस्त के महीने में अगर राइट ओवरी में से एक ओवम आ रहा है तो सितंबर में लेफ्ट में से आएगा, ठीक है, लेकिन एक ही ओवम आपका यहाँ पे रिलीज होगा। तो इतना हाँ बेटा बताइएगा, सर्वजाता कहाँ पे है वो भी हम आगे देखेंगे, सो विल सी दैट। सो फिलहाल के लिए ओवरी आपको यहाँ पे क्लियर रखना कि ओवरी यहाँ पे क्या कर रही है, अब वो ओम जाता कहाँ है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज योर ओवरीज और इनके इतने रोल आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फेलोपियन ट्यूब, अगला जो आपका यहाँ पे ऑर्गन है दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब। तो आपकी जो लंबी से आपको यहाँ पे ट्यूब दिख रही है, एक आपको लंबा सा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज माय फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब भी आपके पास दो होते हैं, एक आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एक आपका होगा राइट हैंड साइड पे, राइट। तो बेसिकली बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है मेरे ओवरी के साथ, सो आई कैन वेरी क्लियरली से दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ओवरी, क्लोजली एसोसिएटेड विद ओवरी। आप यहाँ पे अगर आपको ये पिक्चर छोटी लग रही है तो आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि आपकी ये है आपका फेलोपियन ट्यूब, यू कैन वेरी क्लियरली सी आपका फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे, और ये ओवरी के साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड है, राइट, दिस इज अ फेलोपियन ट्यूब। एक लॉन्ग ट्यूब होता है और जो आपके ओवम यहाँ से निकले थे, जो आपके ओवरी में से ओवम निकले थे वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करेंगे, राइट। सो याद रखना फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, इट विल कैरी द ओवम टूवर्ड्स यूट्रस, ये यूट्रस की तरफ ओवम को कैरी करेगा। तो ये बात याद रखना, ये वो आपका
चैनल है जहां से ओवम ट्रेवल करके यूट्रस की तरफ जाना चालू करता है। तो ये बात आपको याद रखनी कि ओवम जो आपका रिलीज हुआ था ओवरी में से, वो यहाँ पे आएगा फेलोपियन ट्यूब में एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस। तो मैं आपको ये पिक्चर में भी एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। तो समझो आपका यहाँ पे ओवम आपका यहाँ पे रिलीज हुआ था, अब ये अपना ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ना चालू करेगा एंड विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द यूट्रस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसका और कोई ज्यादा यहाँ पे काम नहीं होता। हाँ, एक चीज याद रखना, फेलोपियन ट्यूब वो जगह है जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। सो इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये वो जगह है जहां पे मेरा स्पर्म और मेरा ओवम फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ फर्टिलाइजेशन, तो आपके जहन में दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यू हैव अ स्पर्म, राइट, एंड ये जब आपका फ्यूज करेगा एग के साथ, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजेशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे, तो आपका आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब। सो फेलोपियन ट्यूब मेरी वो जगह है जहां पे बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ये है आपका यहाँ पे स्पर्म और ये है आपका यहाँ पे ओवा। तो ये चीज क्लियर रखना कि फेलोपियन ट्यूब के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना ये वो जगह है जहां से आपके ओवम ट्रेवल करेंगे और आगे बढ़ेंगे यूट्रस की तरफ, और ये वो जगह है जहां पे मेरा फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज अ साइट फॉर माय फर्टिलाइजेशन। तो इतनी चीज आपको याद रखनी अबाउट द फेलोपियन ट्यूब। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग यू विल सी इज माय यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब का जो आपका नेक्स्ट पार्ट जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, दैट इज माई यूट्रस। सो इट्स अ हॉलो कैविटी। सो यूट्रस इज अ हॉलो कैविटी, और ये जो स्ट्रक्चर है आपका यूट्रस का, इट इज गोइंग टू बी थिक इन द अपर एरिया। इसका अपर एरिया जो होगा वो होगा थिक। सो अगर मैं यूट्रस को यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे शो करता हूँ, सो लेट मी शो यू ओवर हियर। तो ये वाला जो पार्ट, लेट मी चेंज द कलर, हाँ ये वाला जो आपका पार्ट है यूट्रस का, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका होता है थिक। तो अपर एरिया जो आपका रहेगा वो यूट्रस का आपका रहेगा थिक, लेकिन जो लोअर एरिया जो आपका होता है यूट्रस का, वो रहता है थोड़ा थिन, राइट। ये मस्कुलर एरिया है, ये काफी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी आपको थिक और थिन एरिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस पार्ट ओवर हियर, ये जो कंप्लीट एरिया मेरा यहाँ पे है, दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय यूट्रस। दिस इज गोइंग टू बी योर यूट्रस। सो यूट्रस को हम यहाँ पे देखते हैं। यूट्रस आपका होता है मस्क्यूलर, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे रहेगा मस्क्यूलर होता ही है। यूट्रस इज गोइंग टू बी क्वाइट मस्क्यूलर, ठीक है, और इसके अंदर यू विल फाइंड द अपर एरिया विल बी स्लाइटली थिकर। इसका जो अपर एरिया होगा, अपर एरिया ऑफ द यूट्रस विल बी क्वाइट थिकर, काफी थिक होगा कंपेयर टू द लोअर एरिया। ठीक है, अब याद रखना यूट्रस का काम क्या होता है। यूट्रस वो जगह होती है जहां पे आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है। यूट्रस वो जगह होती है बेटा जहां पे आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है। सो यहाँ पे आपका होता है इम्प्लांटेशन, रोल भूलना नहीं है आपने। इट इज द एरिया वेयर द इम्प्लांटेशन विल हैपन। यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन होते हुए आपको मिलेगा। सो इम्प्लांटेशन किसका? ऑफ योर एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो विल गेट इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस। तो ये चीज को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब आप इस चीज को एक बार फिर समझो। देखो, समझो आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो जायगोट होगा वो आपका नीचे ट्रेवल करके आएगा यूट्रस तक। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि आपको बेबी डेवलप करता है मदर के बॉडी के अंदर, इतना आप जानते हो। अगर मैं इसको सुपरफिशियली बताऊं कि मदर के बॉडी के अंदर बेबी आपका डेवलप करता है, तो अगर प्रिसाइसली अगर आपसे पूछा जाए कि मदर के बॉडी में कहां पे वो बेबी डेवलप करता है, तो आप बोलोगे यूट्रस, देन आपका आंसर होगा यूट्रस। तो यूट्रस इज अ साइट जहां पे आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे हम लोग, और इसी जगह पे आपका, समझो अगर आपका यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, तो इसी जगह पे आपका बेबी भी आपका यहाँ पे डेवलप करेगा। तो याद रखना, इतना फिलहाल याद रखो, क्योंकि मैं आपको ये आगे वापस समझाऊंगा व्हाट इज जायगोट, वो आपको आगे बताया जाएगा। बट फिलहाल याद रखना कि आपका जो एम्ब्रियो होता है वो आपका डेवलप करता है यूट्रस के अंदर, वो आपका इम्प्लांट होगा यूट्रस में, एंड विल आल्सो डेवलप, विल हैव डेवलपमेंट विल हैपन इन द यूट्रस ओनली। सो इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस। तो ये वो जगह होती है जहां पे आपका बेबी आपका डेवलप करता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि इसका काम यहाँ पे क्या होता है। सो प्लीज नो वन थिंग वेरी क्लियरली, यूट्रस आपका यहाँ पे रहेगा मस्कुलर, इट विल बी वेरी मस्कुलर ओवर हियर, राइट, अपर एरिया,
एंड दिस इज द एरिया जहां पे आपका इम्प्लांटेशन किया जाता है, मतलब आपका एम्ब्रियो यहाँ पे आप अटैच करोगे, ठीक है, एंड देन इट विल डेवलप इन टू द राइट, आपका एक बेबी के अंदर ये डेवलप करेगा, जिसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फीटस, जो हम आगे देखेंगे, राइट right? कुछ टर्म्स है जो मैं अभी यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, मैं आगे यूज करूंगा ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, बट प्लीज इतना याद रखें। हाँ बेटा बताइए। हाँ जी ठीक है, बाय द वे बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, सबको ही नहीं आ रही है? हाँ जी ठीक है, सुनो तो याद रखना, जब हम यूट्रस की बात करते हैं, जब हम यूट्रस की बात करेंगे, याद रखना ये वो जगह होती है जहां पर आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है, या मैं ये कह सकता हूँ इम्प्लांट का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे हम एम्ब्रियो को अटैच कराते हैं, यहाँ पे इस एरिया में हम एम्ब्रियो को कराएंगे अटैच, ठीक है, और अटैच कराने के बाद यहाँ पे ही आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा, यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो होता है वो आपका डेवलप करता है एंड विल टर्न इनटू द बेबी, सो टर्न इनटू अ एडल्ट बेबी, राइट, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज अ रोल ऑफ माय यूट्रस, राइट, ये मेरा रोल होता है यूट्रस का, एंड यहाँ पे यूट्रस की जो वॉल होती है वो काफी थिक होती है, अपर वॉल या अपर एरिया आपका यहाँ पे थिक रहेगा, बट आपका जो लोअर एरिया होगा यहाँ पे द लोअर एरिया विल बी माय थिन, सो लोअर एरिया जो आपका यहाँ पे होता है वो कंपेरेटिवली आपका होता है यहाँ पे थिन होता है, वो इतना मस्कुलर नहीं होता, ठीक है, एंड अल्टीमेटली यूट्रस विल फॉर्म द सर्विक्स, यूट्रस का जो लोअर वाला जो एरिया होता है ना, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका जो लोअर वाला एरिया है, इट विल अल्टीमेटली फॉर्म द सर्विक्स, वो एक नैरो सा आपको इतना सा एक चैनल बनाएगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे सर्विक्स, सो दैट इज माय सर्विक्स ओवर हियर, ठीक है, सर्विक्स को बस आप एज अ लेबल याद रखो, उसका एक स्पेसिफिक रोल आपको याद नहीं रखना है, उसका कोई स्पेसिफिक रोल है भी नहीं, बस एज अ लेबलिंग याद रखना, यूट्रस अल्टीमेटली फॉर्म्स योर सर्विक्स एंड देन इनटू द वजाइना, देन इट विल फॉर्म, उसके बाद वो बनाएगा वजाइना वहां पे, तो इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इवन आपके क्वेश्चन आप चैट में भी पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपको अनम्यूट करके पूछने में दिक्कत आ रही हो देन यू कैन ऑल्सो आस्क देम इन द चैट, बट मैं रिकमेंड करता हूँ अनम्यूट करो और अपने सवाल पूछ लो, ठीक है, क्या आपको यूट्रस यहाँ तक क्लियर है, इज द यूट्रस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसके क्लियर और ये क्लियर होता रहेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है, देन यू हैव द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज योर वजाइना, सो वजाइना इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर अराउंड 8 सेंटीमीटर का होता ही है, राइट, यहाँ पे लेबल क्या हुआ, इट्स अ ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर रिसीविंग द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, सो सर्विक्स के साथ ये रहता है कनेक्टेड बेसिकली, सो याद रखिएगा वजाइना आपका रहेगा लॉन्ग 8 सेंटीमीटर इसका साइज होगा एंड गोइंग टू बी ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर, अगर आपसे कोई पूछे कि वजाइना का यहाँ पे रोल क्या होता है, सो बेसिकली याद रखना वजाइना को हम इवन यहाँ पे बोलते हैं एज अ बर्थ कैनाल, इसको इवन हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बर्थ कैनाल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑल्सो नोन एज योर बर्थ कैनाल, इसको हम बर्थ कैनाल यहाँ पे बोलेंगे, अब इसको बर्थ कैनाल हम लोग यहाँ पे क्यों बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले एक और चीज याद रखना, यहाँ पे आपके स्पर्म डिपॉजिट किए जाते हैं, राइट, सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग कॉपुलेशन यू विल फाइंड दैट योर स्पर्म आर डिपॉजिटेड इन टू वजाइना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपके जो स्पर्म होते हैं उनको आप डिपॉजिट करते हो इनटू द वजाइना, राइट, सो सबसे पहले जो आपके स्पर्म आते हैं वो वजाइना के अंदर ही आते हैं ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, अब क्वेश्चन यहाँ पे कि इसे हम बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बेबी का डिलीवरी होने वाला होता है, आप बेसिकली आप जानते हो आफ्टर 9 months द बेबी इज बीन द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज बीन हैपनिंग आफ्टर 9 months, सो 9 month के बाद जो आपका बेबी का डिलीवरी यहाँ पे होता है वो बेसिकली यहाँ से ही पास होगा, सो जो बेबी होता है यहाँ पे या जो फीटस होता है, अगर हम बायोलॉजी के टर्म में बात करें, जो फीटस होता है वो आपके बर्थ कैनाल से ही पास होके या वजाइना से पास होके बाहर निकलता है, इसलिए हम उसे वहां पे बर्थ कैनाल बोलते हैं, याद रखना ये जो वजाइना इसके दो रोल आप याद रखिए, पहली चीज ये वो साइट है जहां पे ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड, पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये वो आपकी साइट है जहां पे ड्यूरिंग कॉपुलेशन द स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इनटू द वजाइना, राइट, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, दूसरी चीज याद रखना इट इज ऑल्सो नोन एज माई बर्थ कैनाल, क्योंकि यहां से आपका फीटस बाहर आएगा, बॉडी के बाहर आएगा आफ्टर 9 months, एक बार डेवलप हो गया वो देन वो यहां से आपका बाहर आएगा, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो,
ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, कि ये जो स्पर्म डिपॉजिट किए जाते हैं वजाइना के अंदर, ये किए जाएंगे वाया पीनस, राइट। सो ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि आपका जो पीनस होता है, मेल रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर, पीनस हेल्प्स इन डिपॉजिटिंग द स्पर्म इन टू द वजाइना, सो इट विल हेल्प इन डिपॉजिटिंग स्पर्म्स इनटू योर वजाइना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ वजाइना एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक बर्थ कैनाल। सो क्या बर्थ कैनाल टर्म आपके सामने क्लियर है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बताओगे? हाँ जी बेटा, कौन सा बर्थ कैनाल वाला टर्म ना? सर सर्विक्स। अच्छा सर्विक्स वाला। तो बेटा सर्विक्स बेसिकली है क्या ना, आपका यूट्रस, देखिए यूट्रस जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, यूट्रस जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक नैरो छोटा सा एरिया मिलेगा, दैट इज माय सर्विक्स, राइट। सो सर्विक्स एक एरिया होता है, राइट, जो यूट्रस जहाँ पे खत्म होता है वहां पे आपका सर्विक्स चालू होगा, और जहाँ पे सर्विक्स खत्म होगा वहां पे आपका वजाइना चालू होगा। सो इट्स जस्ट अ स्मॉल एरिया जो मस्कुलर नहीं होता, ज्यादा मस्कुलर नहीं होता, एंड इट्स अ वेरी नैरो एरिया जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सर्विक्स, राइट। सो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दैट वजाइना इज अ ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर रिसीविंग द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, राइट। मतलब सर्विक्स यहाँ पे आपका खत्म होगा और यहाँ पे आपका वजाइना स्टार्ट होगा। और अगर आपसे पूछे कि जब यूट्रस खत्म हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, वी विल से इट्स अ स्मॉल एरिया सर्विक्स जो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो सर्विक्स बेसिकली एक स्मॉल रीजन है, उसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है यहाँ पे, राइट। इट्स जस्ट अ स्मॉल रीजन सीन आफ्टर द यूट्रस एंड बिफोर द वजाइना, ठीक है, इतना ही। तुम इसका कोई मैं कराऊ बेटा, इसका पर्टिकुलर रोल नहीं है। इसका एक रोल आता है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, राइट। और एटलीस्ट आफ्टर द क्लास आई कैन टेल यू स्लाइटली उसका एक छोटा सा रोल क्या होगा। फिलहाल याद रखना दैट इट डज नॉट हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, उसका एक सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना इट डजंट हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, इट हैज ओनली वन स्मॉल रोल जो हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है, और इट विल बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर यू, दैट्स व्हाई, ठीक है, तो हम बाद में देखते हैं। सो इतना याद रखना, यू हैव दिस वजाइना। सो हमने यहाँ पे सारे मेन ऑर्गन पार्ट्स यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे वजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, हर किसी का रोल आपको यहाँ पे याद रखना है। अब फटाफट मुझे आंसर कर दो कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? फेलोपियन ट्यूब। इतने जल्दी आपका ट्यूबलेट जो आपका जो स्ट्रक्चर था वहां पे आपका होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम मेरे यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं, सो दैट विल हैपन इन द फर्टिलाइजेशन। आप मुझे बताओ इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? यूट्रस। ऑलवेज गोइंग टू बी यूट्रस, वहां पे आपका होता है। मेरे स्पर्म पीनस के थ्रू डिपॉजिट किए जाते हैं कौन से पार्ट के अंदर? मुझे दो हार्मोन के नाम बताइए जो आपके ओवरी में से आ रहा है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो मेरे हार्मोन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एंड हर महीने यू विल फाइंड वन ओवम विल गेट रिलीज्ड, एंड दैट एक्चुअली स्टार्ट व्हेन अ गर्ल हिट्स अ एज ऑफ, जब आपकी लाइक द गर्ल एक एज हिट करती है 12 टू एडोलेसेंस ऑफ एज, देन यू विल ओवम वहां पे आपका रिलीज किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यहाँ तक वाले पार्ट के अंदर, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पे अगेन यू हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि ये वाली जब स्टोरी आप समझ लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा था। सो यहाँ पे हम इस स्टोरी को समझना यहाँ पे चालू करते हैं, लेट्स सी। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है? सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन यू विल फाइंड दैट स्पर्म्स आर गेटिंग रिलीज्ड एंड दे आर गेटिंग रिलीज वेयर? दे आर गेटिंग रिलीज इन द वजाइना। इतना तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब आपको याद ये रखना है कि ये जो आपके जो स्पर्म्स हैं ये आपके ट्रेवल करेंगे, दे विल ट्रेवल थ्रू द यूट्रस एंड दे विल रीच थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। सो याद रखना ये आपके हमने रिलीज किया वजाइना के अंदर, एंड नाउ योर स्पर्म्स विल ट्रेवल, ये आपके ट्रेवल करते हुए जाएंगे एंड दे विल रीच टूवर्ड्स द
fallopian tube. Okay. So they are going to reach towards the fallopian tube. अब समझो ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गए और जैसे ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचे इन्होंने क्या देखा कि वहां पे ओवम आया हुआ है. समझो ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, उन्होंने देखा कि वहां पे ओवम है. सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका ओवम और स्पर्म आपके करेंगे फर्टिलाइज, दोनों फ्यूज करेंगे और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजेशन. तो आपके स्पर्म ट्रायल करके पहुंच गए फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंड नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड कि अगर वहां पे आपका ओवम होगा तो ये जो मेरा यहाँ पे स्पर्म है इट विल फ्यूज विद द ओवम ओवर देयर. हमेशा याद रखिएगा कि जब ये फ्यूजन होता है तब आपको मिलेगा देख के लिए दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय फर्टिलाइजेशन. और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको मिलेगा क्या, यू विल गेट टू हैव अ जायगोट फॉर्मेशन. याद रखना फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपको यहाँ पे एक सिंगल सेल मिलता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जायगोट, दैट इज कॉल्ड एज माय जायगोट. तो ये भूलना नहीं आप लोगों ने, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पहली चीज आपको मिलेगी जब मेरा स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है जो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज कॉल्ड एज माय जायगोट. ठीक है, सो जायगोट फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे हो जाएगा. याद रखना ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज माय फर्टिलाइजेशन. और एक बार फिर मैं वही चीज आपको बताऊंगा, फर्टिलाइजेशन आपका होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर और कहीं नहीं होता, ये आपका हमेशा होगा इन टू द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, दैट इज वन थिंग विच विल हैपन. अब जायगोट आपका यहाँ पे बन गया, अब जायगोट अपना चलेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द यूट्रस. राइट, आपका जो जायगोट यहाँ पे है, ये जो जायगोट आपका यहाँ पे, इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द यूट्रस, इट विल मूव टूवर्ड्स द यूट्रस. तो ये यूट्रस की तरफ मूव करना चालू करेगा. और मैं आपको इतना यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब मेरा जायगोट यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है तब वो डेवलप भी हो रहा है. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होते रहेंगे या मैं कहूंगा कि एक माइटोसिस वहां पे होता रहेगा और वो डेवलप होता रहेगा. तो पहले जायगोट आपका होता है सिंगल सेल से बना हुआ, बट ये थोड़ा ग्रो करेगा, वो चार सेल का होगा, आठ सेल का बनेगा, सो इट विल जस्ट कीप ऑन डेवलपिंग. तो मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बता सकता हूँ, तो ये तो पिक्चर है. सो समझिए, आपका समझो यहाँ पे होता है आपका फर्टिलाइजेशन, अज्यूम दैट इस बेल्ट में आपका होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन. अब ये जायगोट आपका आगे बढ़ना चालू करेगा और ये मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस. तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं, समझिए ये है मेरा यहाँ पे जायगोट. राइट, ये मेरा यहाँ पे जायगोट है. अब जायगोट में समझो अभी फिलहाल सिर्फ एक ही सेल है और जैसे जैसे ये यूट्रस की तरफ मूव करना चालू करता है इसके अंदर आपका सेल का नंबर बढ़ता जाएगा. तो समझो वो सिंगल सेल था अभी, अब हो गए इसके अंदर दो सेल आपके लग गए. राइट, दो सेल थे, थोड़ा और आगे बढ़ाइए तो थोड़ा और बढ़ते हुए इसके अंदर चार सेल हो गए. तो आप इस बात को समझिए कि मेरा जायगोट यहाँ पे डेवलप कर रहा है, इट इज विल जस्ट कीप ऑन डेवलपिंग. इम्प्लांटेशन के पहले ही ये डेवलप करने लगता है, इम्प्लांटेशन के पहले ही याद रखिएगा कि आपका जायगोट जो है आपका यहाँ पे वो आपका डेवलप करता रहेगा. राइट, सो दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग और आपके नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे आपके इंक्रीज होते रहेंगे. यस सर, ये चीज भूलना नहीं है. इन ये जो अंदर जो सेल्स बन रहे हैं उनका भी नाम होता है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड अभी मैं वो नाम यूज नहीं कर रहा बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए. राइट, सो इसलिए वो नाम समझ नहीं रहे. ठीक है, सो प्लीज. सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये आपका ग्रो कर गया, यहाँ पे आपका डेवलप कर रहा है एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये आपका करेगा इम्प्लांटेशन. सो नाउ दिस विल अंडरगो द इम्प्लांटेशन. अब ये अपने आप को करेगा यहाँ पे इम्प्लांट. और जब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अब होगा इम्प्लांटेशन तो आपको याद रखना है इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस. राइट, दिस इम्प्लांटेशन विल टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. तो ये जाके यूट्रस में जाके हो जाएगा अटैच. सो इट विल गो एंड विल गेट इटसेल्फ अटैच इनटू द यूट्रस. तो अगर मैं आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ, सो समझिए अगर ये लेट्स अज्यूम दिस इज अ वॉल ऑफ माय यूट्रस, अगर ये मेरी यूट्रस की वॉल है यहाँ पे तो मेरा जायगोट आके यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लांट. सो इट विल इम्प्लांट समवेयर ओवर हियर, ये आपका यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, दैट विल बी माय जायगोट. या अगर मैं इस पिक्चर में अगर आपको बताने की कोशिश करूं यूजिंग अ डिफरेंट कलर, देन मुझे मेरा जो यूट्रस है आई विल यूज लेट्स से ब्लैक कलर, आपका जो मेरा जो इम्प्लांटेशन है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, विल गेट इटसेल्फ इम्प्लांटेड ओवर हियर. तो यहाँ पे आके आपका लग जाएगा जायगोट वहां पे. अब जैसे आपका जायगोट इम्प्लांट हो गया ना, जैसे आपका जायगोट इम्प्लांट हो गया अब वो वहां पे डेवलप करना चालू करेगा.
तो एक चीज याद रखना कि जैसे ही आपका यहाँ पे जायगोट इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद जायगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है। अब जायगोट एक बार आपके यहाँ पे इम्प्लांट हो गया एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दिस जायगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, दिस विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो। आप ये सोच सकते हो कि सर एम्ब्रियो जायगोट में फर्क क्या है, तो एम्ब्रियो में द नंबर ऑफ सेल्स आर मच मोर हायर, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे काफी ज्यादा होंगे, राइट, और लाइक दे आर दे हैव सम रोल्स, वो जो मेरे सेल्स होंगे उनके पास कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड रोल होगा। यहाँ पे जो सेल बढ़ रहे हैं इनका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। बट जब आप एम्ब्रियो को जब आप देखते हो तो उनके जो सेल्स होते हैं, समझो वहां पे 5000 सेल है, तो उन सेल्स के अंदर हर एक सेल का कुछ ना कुछ वहां पे रोल होगा। सो दैट इज वाई याद रखना, सो एम्ब्रियो और जायगोट में यहाँ पे आपका फर्क रहता है, राइट। जायगोट अभी आप इतने याद रख सकते हो इतने इस लेवल पे, जायगोट विल हैव सॉरी लेस नंबर ऑफ सेल्स एंड एम्ब्रियो विल हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स, सो जायगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। सो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यूट्रस में आपका होता है इम्प्लांटेशन और यूट्रस में इवन आपका यहाँ पे होगा आपका डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट प्लस इम्प्लांटेशन इज समथिंग विच विल हैपन इन द यूट्रस। अब ये बताओ क्या यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर है, इज द स्टोरी क्लियर टू यू यहाँ तक? कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा या रिपीट करवाना हो तो प्लीज बता देना, तो मैंने रिपीट कर देना है। सो प्लीज ऑल्सो मेक श्योर दैट इट हैपन्स, ठीक है। No, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी बेटा बोलिए, कोई कुछ कह रहा था बताइए, बोलिए। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ पे आपका होगा इम्प्लांटेशन, दैट विल बी हैपनिंग इन द यूट्रस, और यहाँ पे आपका होगा डेवलपमेंट। अब एक चीज याद रखना कि जब आपका एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, देखिए यही एम्ब्रियो या ये जायगोट इम्प्लांट हो गया, नाउ इट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो, राइट। नाउ हम उसे बोलेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो, अब मैं एम्ब्रियो हम यूज करूंगा। अब ये जो एम्ब्रियो आपका वहां पे डेवलप कर रहा है, याद रखना इस एम्ब्रियो को चाहिए नरिशमेंट। ये एम्ब्रियो को अगर डेवलप करना है, इसको अगर फीटस में डेवलप करना है, देन इट हैज टू गेट नरिशमेंट, और ये नरिशमेंट उसे मिलता है मदर के साइड से। तो देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट्स अज्यूम कि आपका यहाँ पे, लेट्स अज्यूम दिस इज माय वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है, और यहाँ पे मेरा इम्प्लांट हो गया, मेरा यहाँ पे यहाँ पर इम्प्लांटेशन ऑफ योर एम्ब्रियो हैज टेकन प्लेस, ठीक है, यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो चुका है मेरे एम्ब्रियो का। अब होता क्या है, आपका जो यूट्रस है, यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे बनेगा। सो देर विल बी अ टिश्यू फॉर्मेशन हैपनिंग बिटवीन द यूट्रस एंड द एम्ब्रियो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। आपका जो यूट्रस यहाँ पे रहता है, जो यूट्रस आपका यहाँ पे होगा, इसके और आपके एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्टिंग टिश्यू आपका बनता है। सो यूट्रस और आपके एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्टिंग टिश्यू यहाँ पे बनेगा। सो ये आपको याद रखना है। सो देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, और इतना याद रखते हो कि इन दोनों के बीच में आपका एक टिश्यू फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और जो टिश्यू फॉर्मेशन यहाँ पे होता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लेसेंटा। सो देयर इज अ कनेक्शन फॉर्म बिटवीन, एक कनेक्शन फॉर्म किया जाएगा आपके यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में, और उस कनेक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लेसेंटा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लेसेंटा। तो याद रखना कि आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है इम्प्लांटेशन के बाद, ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड द एम्ब्रियो, इतना तुम याद रख सकते हो फिलहाल। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड द एम्ब्रियो। क्या प्लेसेंटा क्या कर रहा है या कनेक्शन किसको कर रहा है, इतना आपको क्लियर है? व्हाट इज इट इज कनेक्टिंग बेसिकली, राइट? इज अ कनेक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड एम्ब्रियो। हाँ देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपका हो गया इम्प्लांटेशन, इतना तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर है कि इम्प्लांटेशन मेरा हो गया यूट्रस के अंदर, ये आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ी। अब वो करने के बाद आपको है ना एक पाइपलाइन बनानी है, आपको एक कनेक्शन बनाना है आपके यूट्रस के साथ, एक आपके एम्ब्रियो को एक कनेक्शन बनाना होता है यूट्रस के साथ, ताकि उसका वो लाइक उससे उसे कुछ बेनिफिट मिल सके, राइट। वो जो कनेक्शन यहाँ पे बनता है, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ टिश्यू, यहाँ पे एक टिश्यू बनाया जाएगा, और उस टिश्यू को हम बोलेंगे यहाँ पे प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड एम्ब्रियो, इन दोनों के बीच में वो कनेक्शन फॉर्म करता है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे इम्प्लांट कराया तो यहाँ पे आपको एक प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यू विल फाइंड अ प्लेसेंटा फॉर्मेशन समथिंग ओवर हियर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यार ये प्लेसेंटा बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका रोल क्या होता है। सो प्लेसेंटा का रोल होता है, एक होगा यहाँ पे रोल नरिशमेंट, एक इसका रोल यहाँ पे रहता है, दैट इज गोइंग टू बी योर नरिशमेंट,
सो बेसिकली ये लोग करेंगे क्या, प्लेसेंटा यहाँ पे क्या करेगा, मदर के साइड से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एम्ब्रियो तक पहुंचाएगा, ये बात याद रखना। सो नरिशमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे प्लेसेंटा का। सो जो भी मदर के साइड पे जो न्यूट्रिएंट्स है, समझो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं विच आर द न्यूट्रिएंट्स ओवर हियर, तो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अब जाना है आपके एम्ब्रियो तक और वो जाएंगे वाया प्लेसेंटा। सो एम्ब्रियो को जो भी नरिशमेंट मिलेगा अब वो मदर के साइड से मिलेगा। इसलिए कभी आप नोटिस करना, काफी बार बताया जाता है लाइक एक प्रेग्नेंट लेडी को दैट शी शुड हैव अ प्रॉपर डाइट और प्रॉपर मील, क्योंकि जो भी वो कंज्यूम कर रही है, जो भी वो डाइट ले रही है, वो बेसिकली अफेक्ट कर रहा है आपके एम्ब्रियो को, ठीक है, वो आपके एम्ब्रियो तक पहुंचाया जा रहा है। इवन आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा दैट गर्ल्स हु आर अंडर प्रेगनेंसी शुड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, राइट, गर्ल्स हु आर अंडर द प्रेगनेंसी शुड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग बिकॉज इवन दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपिंग बेबी, क्योंकि यू हैव अ कनेक्शन, यू हैव अ कनेक्शन और कनेक्शन के थ्रू काफी चीजें आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो यू ऑलवेज वॉन्ट दैट हेल्पफुल नरिशमेंट वाली चीजें आप यहाँ पे ट्रांसफर की जाए, ठीक है। सो नरिशमेंट एक आपका यहाँ पे रोल हो गया, राइट, सो दैट्स वन थिंग विच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, ये पहला रोल हो गया। दूसरी चीज इवन ऑक्सीजन सप्लाई, सो याद रखना सेकेंड रोल आपका यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सेकेंड रोल मेरा होता है प्लेसेंटा का कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे आपके एम्ब्रियो तक, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपके एम्ब्रियो तक किया जाता है वाया प्लेसेंटा। दैट्स अ सेकंड रोल। थर्ड रोल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, थर्ड रोल में आप लिखता हूँ, थर्ड रोल आपका यहाँ पे होगा वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल या वेस्ट रिमूवल लिखूंगा तब भी आपको समझ आ जाएगा। सो वेस्ट रिमूवल। अब एक बात आप यहाँ पे समझिए, आपका जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो अगर ग्रो कर रहा है, वहां पे सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल आपको बनेगा, राइट। अब देखिए आपके बॉडी में जब वेस्ट मटेरियल बनता है, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो आप उसे बॉडी के बाहर निकालते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या आप एक्सहेल करके बॉडी के बाहर निकालते हो, यूरिया को आप निकालते हो यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हो, राइट। तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, हाँ जी सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो आपका जो वेस्ट मटेरियल आपका बनेगा एम्ब्रियो के अंदर, उसको भी आपको बॉडी के बाहर निकालना है और उसको निकालने के लिए भी आप प्लेसेंटा का यूज करोगे। तो जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे बनेगा, ये मटेरियल आपका ट्रेवल करेगा प्लेसेंटा के थ्रू यूट्रस के अंदर। सो बेसिकली समझो ये मेरा वेस्ट मटेरियल है, ये जो व्हाइट करके बॉल्स में बना रहा हूँ ये मेरा वेस्ट मटेरियल है, तो ये ट्रेवल करेंगे मेरे प्लेसेंटा के थ्रू इन टू द यूट्रस, और एक बार यूट्रस में आ गए, मदर के साइड पे आ गए, फिर वो मदर की बॉडी उसे वहां से बाहर निकाल देगी। तो वेस्ट रिमूवल भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो ये आपका प्लेसेंटा यहाँ पे करेगा। तो याद रखना प्लेसेंटा आपके यहाँ पे तीन रोल यहाँ पे कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो जो भी आप खा रहे हो उसका नरिशमेंट वाला पार्ट आपका एम्ब्रियो को दिया जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये आपकी मदद कर रहा है, आपके प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन पहुंचा जाएगा एम्ब्रियो तक, एंड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट रिमूवल का भी ये काम करता है, जो भी वेस्ट एम्ब्रियो में बन रहा है उसको आप यूट्रस में लेके आ रहे हो। सो दीज आर द थ्री रोल्स ऑफ माई प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का रोल आपको काफी क्लियरली याद रखना चाहिए। सो इज प्लेसेंटा क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या प्लेसेंटा आपको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। अगर नहीं आ रहा तो बता दो कि नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई विल रिपीट दैट थिंग अगेन टू यू, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको सही में इतना समझ आ रहा है क्लियरली, राइट, मैं इसमें सिर्फ एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा जो आप याद रख लेना, एक एडिशनल चीज याद। हाँ बेटा बोलिए बोलिए, कोई कुछ कह रहा था बताइए बोलिए। मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर बोलेंगे आप? रिपीट कर देते, इसे रिपीट करते हम लोग यहाँ पे। तो आपके पास यूट्रस के अंदर देखिए, आपका एक बार इम्प्लांटेशन होने के बाद आपके यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में आपको बनेगा एक कनेक्शन, एक टिश्यू बनेगा, उस टिश्यू को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा काम क्या करता है, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, एम्ब्रियो को। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गए या कोई भी एसेंशियल चीज हो गई, वो वाया प्लेसेंटा हम लोग एम्ब्रियो तक ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके साथ सेकेंड रोल क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, ये ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट कराता है एम्ब्रियो तक। तो जो भी लाइक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, अगर आपका एम्ब्रियो ग्रो करा है तो उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा मदर के बॉडी से प्लेसेंटा तक। सो मदर के बॉडी से आपके जो O2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रेवल करके जाएंगे वाया प्लेसेंटा टूवर्ड्स द एम्ब्रियो, और जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है एम्ब्रियो के अंदर उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है, और वो बाहर निकाला जाएगा वाया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बेसिकली एक चैनल है,
एक चैनल है, एक आपका ब्रिज है जिसके थ्रू आप चीजों को भेज सकते हो एम्ब्रियो तक और एम्ब्रियो से चीजों को आप वापस ला सकते हो. दैट इज व्हाट प्लेसेंटा इज नोन फॉर. ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. उसके बाद आप एक चीज और चीज यहाँ पे देख सकते हो, दैट प्लेसेंटा का एक और रोल, एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो, एडिशनल चीजें याद रख लो, दैट प्लेसेंटा कैन ऑल्सो रिलीज सम हॉर्मोन. कैन रिलीज, प्लेसेंटा कैन ऑल्सो रिलीज सम हॉर्मोन्स. ये कुछ हॉर्मोन्स रिलीज कर सकता है. तो जैसे हमने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात की थी, स्टार्टिंग में ओवरी रिलीज करा है, वैसे हॉर्मोन प्लेसेंटा भी रिलीज करता है. सो थोड़े अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आपका प्लेसेंटा भी रिलीज करेगा. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक हॉर्मोन की बात करना चाहूंगा और उस हॉर्मोन का नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक, इट इज माय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन. इस हॉर्मोन का शॉर्ट फॉर्म होता है आपका HCG. ये भी आपका रिलीज करता है आपका यहाँ पे प्लेसेंटा. अब मैंने ये सुनिए, ये जो आपका प्लेसेंटा होता है ये आपके कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, कुछ तीन चार हॉर्मोन, ये तीन चार से ज्यादा हॉर्मोन ही रिलीज करेगा. ठीक है, ये एक और याद रखना कि ये एक हॉर्मोन भी रिलीज करता है. इतना बात आप याद रखना कि एक और चीज करेगा कि मेटरनल साइड पे या मदर के बॉडी के अंदर ये हॉर्मोन रिलीज करेगा. अब आपको याद रखना है कि इसमें से एक हॉर्मोन होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक CHORIONIC, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. तो ये भी एक हार्मोन होता है जो आपका प्लेसेंटा रिलीज करता है. अब मैं स्पेसिफिक इस हार्मोन की बात पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये हार्मोन जब रिलीज किया जाता है तो ये बेसिकली आपके बॉडी में आ जाता है, फीमेल की बॉडी में आ जाएगा, राइट. और ये हार्मोन बेसिकली एंड में ह्यूमन यूरिन के अंदर भी आ जाता है. अच्छा, आपने पता है देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप होती है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा, देयर इज अ प्रेगनेंसी स्ट्रिप फॉर टेस्टिंग द प्रेगनेंसी, राइट. सो बेसिकली उस पे करते क्या है, राइट. सो जब उसके ऊपर फीमेल जिसको लग रहा है दैट शी इज पोटेंशियली प्रेग्नेंट, जब उसके ऊपर वो लोग यूरिनेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो जो आपकी स्ट्रिप होगी उसके अंदर आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे. तो वो जो स्ट्रिप होती है वो डिटेक्ट करती है आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को. याद रखना, इफ अ गर्ल इज प्रेग्नेंट then you will find presence of HCG in her urine. इतनी पहली बात याद रखना, if a girl is pregnant then she will have presence of HCG in her urine and that HCG is used for a detection of the pregnancy. ये HCG को use करके हम basically detect कर सकते हैं that a girl is pregnant or not. So that is something you will get to see. So यही इसके through ही आप pregnancy kit work करके इसके basis पे ही प्रेगनेंसी क्रिट के थ्रू आप पता कर सकते हो दैट विदर द गर्ल हैज गॉट कंसीव्ड और नॉट. सो ये एक, इसलिए हमने एक स्पेसिफिक हार्मोन का यहाँ पे हमने मेंशन किया था, दैट इज माय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. यहाँ पे हमने देख लिया प्लेसेंटा यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है वो हमने यहाँ पे समझ लिया. अब होगा क्या, अब आपका जो एम्ब्रियो है इट विल डेवलप इन टू द फीटस. अब आपका एम्ब्रियो ग्रो करेगा. अब आप लोग जानते हो कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो कितना होता है, 9 months का, राइट. यू हैव अ 9 months का टाइम फ्रेम आपका होता है और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गेस्टेशन पीरियड. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ गेस्टेशन पीरियड. द टाइम पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस इनसाइड द यूट्रस, द टाइम पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस इनसाइड द यूट्रस टिल बर्थ इज कॉल्ड एज माय गेस्टेशन पीरियड, जो आपका रहता है 9 months का, विच विल बी ऑफ योर 9 months. ये बात भूलना नहीं है. अगर आपको ये पूछे कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो ये वो टाइम है जब आपका फीटस डेवलप कर रहा होता है यूट्रस के अंदर टिल बर्थ, दैट इज कॉल्ड एज माय गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, एंड आफ्टर 9 months व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ. जैसे 9 months हो गए फिर क्या होगा, फिर बर्थ होगा. द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन. जब बर्थ होता है बेबी का उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्चुरेशन. सो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज योर पार्चुरेशन. तो इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना है. मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा वापस से,
कि आपका एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो जाता है देन इट विल डेवलप इनटू द फीटस. सो लेट मी राइट ओवर हियर ओनली, याद रखना एम्ब्रियो के बाद. सो पहले एम्ब्रियो जब आपका वहां पे इम्प्लांट हो गया या एम्ब्रियो जब आप वहां पे बन जाता है देन एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द फीटस. अगर आप सोचो कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, तो बेसिकली फीटस को अगर आप देखोगे ना, तो फीटस में आपको स्मॉल हैंड, स्मॉल लेग्स, हेड का स्ट्रक्चर आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा. तो एक बहुत ही डेवलप एम्ब्रियो जो होता है उसे हम फीटस बोलते हैं, ठीक है. और एम्ब्रियो के पहले हमने जो टर्म यूज किया था वो क्या था, आपका जायगोट. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सबसे पहली चीज जो आपकी बनी थी यहाँ पे, दैट वॉज माई जायगोट. जायगोट देन टर्न इनटू एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो विल टर्न इनटू द फीटस, राइट. तो क्या आपको गेस्टेशन पीरियड क्या होता है समझ आ रहा है आपको यहाँ पे, इस गेस्टेशन पीरियड के लिए? ठीक है, ये 9 months का पीरियड होता है. और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अगर कोई पूछे या कभी क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड में सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड कौन से एनिमल का होता है, देन उसका आंसर होगा एलिफेंट. एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो आपका होता है 22 months का. इमेजिन ऑलमोस्ट 2 years के लिए वो बेबी को कैरी करती है यूट्रस के अंदर, ऑलमोस्ट 2 years, राइट. इट्स द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर आप छोटे एनिमल्स का देखोगे ना, रैट का या हैमस्टर का, उनका 12 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, दैट्स इट. इतने टाइम में पूरा एम्ब्रियो आपका डेवलप कर जाता है. सो दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, राइट. लाइक देन कैट के अंदर 64 days का होता है. सो कम टाइम के अंदर आपको पूरा एम्ब्रियो वहां पर डेवलप कर जाता है. सो दैट्स वन थिंग. सो ये आपको चीज याद रखनी है. तो हमने अभी क्या किया, हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने देख लिया, हमने राइट फ्रॉम द स्पर्म से लेके हमारा यहाँ पे बर्थ होने तक हमने पूरी स्टोरी हमने यहाँ पे देख ली, या पूरी स्टोरी हमने यहाँ पे देखी. अब आप मुझे स्टोरी बताएंगे, आप मुझे यहाँ पे स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे ताकि मुझे एक अश्योरेंस मिल जाए कि आपको ये स्टोरी समझ आ रही है. तो सबसे पहली चीज, आपका स्पर्म आ रहा है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर इनटू द वजाइना, राइट. और ये जो स्पर्म आया वाया पीनस, ठीक है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन. नाउ दिस स्पर्म विल ट्रेवल अप टू सर्टेन एरिया. आप मुझे बताओ कि ये स्पर्म मेरा फर्टिलाइज कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइज होगा, ठीक है. सो फैलोपियन ट्यूब में मेरा ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो ये मेरा फ्यूज करेगा मेरा ओवम के साथ. दैट इज समथिंग आई वांट टू नो कि ये ओवम के साथ मेरा वहां पे फ्यूज करेगा. आप मुझे बताइए जब ये फ्यूजन होता है, जब ये फ्यूजन होता है तो आपका वहां पे क्या बनेगा, व्हाट इज फॉर्मड आफ्टर द फ्यूजन? ट्रेवल करते करते हुए यूट्रस की तरफ जाना चालू करेगा. अब मुझे ये बताइए जब ये यूट्रस की तरफ जा रहा है तो क्या इसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे या ऐसे? ये डेवलप करेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे. फिलहाल शायद एक सेल होगा इसके अंदर, बट देन यू विल फाइंड इसके अंदर 4, 8, 16, 32 सेल का नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है. ठीक है, अब मुझे बताओ, समझो ये यूट्रस तक पहुंच गया, समझो यूट्रस तक पहुंच गया, अब क्या होगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले उसे इम्प्लांट कराओ, कनेक्टिव टिश्यू बाद में बनाना है, सुनो मेरी बात. इम्प्लांट पहले कराओ फिर बनाओगे आप कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आपको बोलना है इम्प्लांटेशन होगा. मेरा जायगोट एक बार पहुंच गया मेरे आपके एम्ब्रियो तक, देन यू विल फाइंड द इम्प्लांटेशन विल हैपन. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली कि आपका अगला स्टेप जो यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन होने के बाद देन आप प्लेसेंटा बनाओगे, राइट. और इम्प्लांटेशन होने के बाद यू एक्चुअली यूज अ टर्म एम्ब्रियो. इन अ रियल सेंस इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद आप एम्ब्रियो टर्म आप यूज कर सकते हो क्योंकि अब वो काफी डेवलप हो जाता है तब तक. तो आपके यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है इन द यूट्रस और यहाँ पे ही वो डेवलप करेगा. याद रखना 9 महीने के लिए वो यहाँ पे ही रहेगा, राइट. इट विल स्टे देयर फॉर 9 months. अब उसके बाद क्या होता है, नाउ व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेसेंटा, ठीक है. अब यहाँ पे आपको होने का प्लेसेंटा. Placenta is a connection between the uterus and the embryo. अब आप मुझे हाँ जी रुकिए, अब एक काम करिए, मुझे एक काम करिए, अब आप मुझे बताइए, हैंड रेस करके बताइए कि आपका जो placenta होगा उसका रोल क्या होगा, कौन कर रहा है?
नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड इवन आपका वेस्ट रिमूवल में आपके यहाँ पे मदद कर रहा है. सो दिस इज व्हाट आपका प्लेसेंटा यहाँ पे करता है, ठीक है. एंड उसके अलावा याद रखना कि प्लेसेंटा थोड़े हार्मोन भी रिलीज कर सकता है, राइट. इट कैन रिलीज फ्यू हार्मोन्स, हाँ राइट. ये मैंने कुछ हार्मोन का नाम लिया था, उसके अलावा एक मैंने स्पेसिफिक हार्मोन का नाम लिया था यहाँ पे HCG. अरे सुनो, HCG को यूज करके हम क्या पता कर सकते हैं फिर वो यूरिन में आ जा रहा है. तो जब यूरिन में आ जाता है देन उसको हम वहां से यूज कर सकते हैं बिकॉज वी कैन यूज अ प्रेगनेंसी स्ट्रिप. और स्ट्रिप के ऊपर जब वो यूरिन पास होती है देन इट विल चेंज, इसका कलर चेंज होता है एंड देन यू गेट टू रियलाइज दैट इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ HCG. सो दैट इज हाउ यू कैन गेट टू नो दैट व्हेदर द गर्ल इज प्रेग्नेंट और नॉट, राइट. सो दैट इज हाउ यू विल गेट टू नो दैट. तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, ठीक है. क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस. देन यू हैव अ गेस्टेशन पीरियड. एक बार आपका इम्प्लांटेशन हो गया, अब आपका टाइम यहाँ पे होगा, इट विल टेक अराउंड 9 months टू डेवलप इनटू द लाइक इनटू फुली डेवलप फीटस. अब आपका एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू अ फीटस, ये डेवलप करेगा और 9 महीने पूरे लगते हैं. और ये टाइम ड्यूरेशन आपका होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड. एंड द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, जैसे ही गेस्टेशन पीरियड आपके 9 months, हाँ जी, जैसे 9 month हो गए then you will find the birth will happen and that is called as my parturition. So इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है. That is something which will happen. और याद रखना every month the ovum get released, every month a single ovum get released, right? अगर वो fertilize नहीं होता, समझो यहाँ पे आपका ovum release हुआ, समझो इस बात को. अगर यहाँ पे आपका ओवम रिलीज होता है, लेट मी चेंज द कलर, राइट, लेट मी चेंज द कलर. अगर यहाँ पे आपका ओवम रिलीज होता है, यहाँ पे आ गया ओवम, और अगर उसे स्पर्म नहीं मिला, तो ऑब्वियसली अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा. तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, राइट. इट विल कम आउट थ्रू वजाइना इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद द ब्लड, इट विल कम आउट. वो हम बाद में देखेंगे कि वो क्या हो रहा है. बेसिकली उसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. इतना याद रखना कि वो बॉडी के बाहर निकल जाता है. That particular ovum is going to get outside the body, right? अगर वो fertilize नहीं हो रहा तो मतलब ये काफी uncertain होता है. Sperm और ovum अगर साथ में वहाँ पे हुए तभी आपका fertilization आपका वहाँ पे होगा, right? Or else generally आपका fertilization आपका नहीं होता, ठीक है. So that should be clear to you. तो यहाँ पे हमने इतनी चीज यहाँ पे हमने देखी, हमने फीमेल पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया, that is something we have seen. And we have also seen the reproduction का पूरा process कैसे आपका यहाँ पे काम करेगा वो हमने यहाँ पे देख लिया है. And I'm hoping that कि आपको ये समझ आया होगा, right? So this is something I expect you guys. Right? अब मैं before we wrap up the class, इसके लिए कि हम लोग क्लास यहाँ पे खत्म करें, एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, आप फटाफट उनका आंसर बताइएगा. मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर क्या होगा. ए बी सी डी बताइए. मेल है सर, ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा. सुनो मेरी बात, मेल रिप्रोडक्टिव सेल अगर लिखा हुआ है यहाँ पे तो एक तो आएगा, फिर स्पर्म आएगा ना, फिर तो स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. आराम से देख के आंसर करो, एकदम से आंसर मत करो, ठीक है. देन आफ्टर दैट फ्लूइड, सुनो ध्यान से, फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल्स. ए बोल दिया, काम खत्म कर दिया तुमने. दोनों देखो ना, ए भी होगा और बी भी होगा. सो इट इज वाय ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. बोथ ऑफ देम विल रिलीज द दिस पर्टिकुलर फ्लूइड, ठीक है. All right, then after that, female reproductive hormone.
ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आएगा सही आंसर. ठीक है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग काफी तेज है, आपने आंसर यहाँ पे सही कर दिया. राइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. यहाँ तक हमने ये चीजें हमने समझ ली यहाँ पे. ठीक है सर, आपसे एक चीज पूछनी थी. हाँ बेटा बताइए. सर अगर वो ओवम जो है वो यूट्रस में पहुंच जाए तब नहीं हो सकता है वो फर्टिलाइज. ओके, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, मैं आपको इसे समझाता हूँ. अज्यूम करें कि आपका ओवम पहुंच गया यूट्रस के अंदर. ठीक है, अज्यूम करें कि आपका ओवम यहाँ पे पहुंच गया यूट्रस के अंदर, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये हो रहा है फर्टिलाइज. हो सकता है यहाँ पे आपका स्पर्म आया और यहाँ पे वो हो गया फर्टिलाइज. अब दिक्कत क्या है कि वो इतना आगे आ चुका है कि वो इम्प्लांट सही जगह पे हो नहीं पाएगा. अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो इतना आगे आ चुका होता है तब तक कि वो सही लोकेशन पे इम्प्लांट नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो सही लोकेशन पे इम्प्लांट नहीं कर पाएगा दैट इज वाई वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा. इट वोंट गेट इम्प्लांटेड ओवर देयर. तो इसलिए उनका यहाँ पे फर्टिलाइज होना काफी जरूरी है. यहाँ पे फर्टिलाइज होना फेलोपियन ट्यूब में एंड देन गेटिंग इनटू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सही टाइम पे एक सही लोकेशन पे उसका फर्टिलाइजेशन हो. सो अगर यूट्रस में वो फर्टिलाइज होता है देन वो उतना डेवलप हो ही नहीं पाएगा. मतलब देखो आप ये बात समझो, जब आपका जायगोट बनता है फर्टिलाइज होने के बाद वो डेवलप होते रहता है और वो आगे बढ़ता है. ठीक है, अगर वो यहाँ पे आपका फर्टिलाइज हो गया तो डेवलप होते हुए बहुत आगे निकल जाएगा एंड इट वोंट गेट इम्प्लांटेड एंड विल कम आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो जब तक वो एक सर्टन अमाउंट में डेवलप नहीं होता तब तक वो इम्प्लांट नहीं हो सकता. अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो यहाँ पे जब वो आएगा तो ऑलरेडी वो स्टार्टिंग स्टेज पे, उसमें सिर्फ 2 सेल होंगे या 4 सेल होंगे, तो वो टाइम पे वो डेवलप नहीं, वो टाइम पे वो इम्प्लांट नहीं कर सकता अपने आप को. सो दैट इज वाई इट विल कम आउटसाइड द बॉडी एंड या आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन यहाँ पे नहीं होगा. समझ आया आपको ये जिसने पूछा था? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. Any other question? If you have any other question which you can think of? No. Nothing filhal. देखो एक कोई चीज याद रखना. अच्छा एक अच्छा सुनो सुनो एक कोई चीज याद रखना. कई बार कुछ complications होते हैं और कई बार complication में क्या होता है कि आपका implantation गलत जगह पे हो जाता है. आपका होना चाहिए यूट्रस के अंदर, आपका implantation यहाँ पे होगा. कई बार ऐसे भी cases आते हैं. As a gynecologist अगर आप देखोगे then you can have a cases कि आपका कभी implantation गलत जगह पे हो गया. अगर implantation गलत जगह पे होता है देन जनरली वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता. वो थोड़ा डेवलप करेगा और उसके बाद वो वहां से निकल जाएगा एंड इट विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड. इट विल कम आउट. सो बेसिकली एक आपने टर्म सुना होगा जिसे हम कहते हैं मिसकैरेज. आपने शायद ये टर्म शायद सुना हो. लेडीज के अंदर फीमेल्स के अंदर मिसकैरेज होता है तो यही होता है. आपका इम्प्लांटेशन सही जगह पे हो नहीं पाया था, आपका एम्ब्रियो थोड़ा बहुत ग्रो करता है एंड देन इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड विल कम आउट. ठीक है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिसकैरेज. कई बार डॉक्टर ही सामने से बता देता है दैट द बेबी और द एम्ब्रियो इज इन द रॉन्ग प्लेस एंड इट्स बेटर टू अबॉर्ट द बेबी. अगर इम्प्लांट होने के बाद, अगर वो इम्प्लांट होने के बाद अगर वो मदर की हेल्थ को या मदर के लाइफ को अगर वो थ्रेट करता है देन वो टाइम पे डॉक्टर अबॉर्शन अलाउ कर सकता है. राइट, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल रिमूवल ऑफ द प्रेगनेंसी. राइट, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं तो वो आपका डॉक्टर अलाउ कर सकता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, सो मिसकैरेज जनरली तभी होता है जब आपका इम्प्लांटेशन सही से ना हुआ हो, तो वो टाइम पे द कंप्लीट एम्ब्रियो विल गेट फ्लश्ड ऑफ एंड दैट इज योर मिसकैरेज. ठीक है, तो एक ये और भी चीजें हैं बट अभी उस लेवल पे आप इसे समझते नहीं हो. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो या दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव डन. अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि समझो आप जाके अपनी बुक पढ़ते हो स्कूल की, जो एनसीआर की आप पढ़ते हो या कुछ जो स्कूल में कराया जाता है आप पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया उसमें से, अगर आपको समझ ना आए देन आप पूरे हफ्ते वेट मत करो. आप डायरेक्टली बीच में आप मुझे मैसेज डाल दो. यू ड्रॉप मी अ मैसेज कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया था, ये वाला पार्ट मुझे क्लियर नहीं है. सो आई विल मेक श्योर कि वो तब के तभी आपको क्लियर हो जाए, तब के तभी एटलीस्ट उस दिन के अंदर वो आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, that is something we'll do. I think one of you had this query, unhe koi cheez shayad samajh nahi aayi thi. So please again, I think I have missed that out. So please drop me a message if at all that happens again. So we'll make sure ki aapko wo cheez samajh aa jaye and aapko hum clear kar dein. So it shouldn't happen. Yes.